हालांकि कितना दिखने मुश्किल लग रहा भाई, ट्रेपेजियम है फिर बीच में दो लाइन, मतलब क्या था डायगनल था, यहाँ पर दो लाइन और कट कर दी गई है और इतना डेंजर क्वेश्चन पूछ ले। अरे बहुत ही नकली क्वेश्चन यार, बकवास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, सिर्फ दिखने में हुआ है ट्राइंगल, दिखने में बस हुआ है, करने में कोई दिक्कत नहीं ट्राइंगल, ध्यान सुनना। तो बहुत कंफ्यूजन होती है कहाँ प्लस वन करना है और ये क्वेश्चन मुश्किल मान सर हमें समझ नहीं आता, पर आज कल कभी ये नहीं बोलोगे समझ नहीं आता क्योंकि तुमने यहाँ से सीख लिया है कि कहाँ प्लस वन करना है और कहाँ पर माइनस वन करना है। हरे कृष्णा क्लास टेंथ, कैसे हैं आप सभी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी क्रीड़ा में। इतने सारे कमेंट ट्राइंगल्स के ऊपर कि सर ट्राइंगल्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बाकी सब तो आपने करा दिया है, पर ट्राइंगल बहुत ज्यादा परेशान करा, उसके क्वेश्चन को देख के, प्रूफ वाले क्वेश्चन को देख के उसका थ्योरम बहुत टेंशन हो रही है सर, इसके लिए कुछ कीजिए। तो सारे कमेंट मान लो, चलो कम से कम तुम लोगों ने 4,000 से 5,000 कमेंट करे हैं अभी 10-15 दिन के अंदर ट्राइंगल्स को लेके। अब इतने ज्यादा डिमांड में कोई चीज रही और मैं लेके ना आपके सामने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए एमसीक्यू उसके नाइट सेशन के बाद, आई होप आप सबने एक एमसीक्यू उसका नाइट सेशन हुआ था वो अटेंड किया होगा जहां पर हमने 5 घंटे रात को पढ़ा था। आप आए थे नहीं आए थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और क्या आप और फिर से नाइट सेशन चाहते हो नहीं चाहते मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर चाहते हो तो एक और नाइट सेशन कर लेंगे जहां पर हम लोग एक सैंपल पर कर सकते हैं 2-3, अभी एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम काम करने वाले ट्राइंगल्स के ऊपर, एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है। आपको ट्राइंगल चाहे थोड़ा सा आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, मैं एक काम करके चलता हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ट्राइंगल का कुछ भी नहीं आता, टी तक नहीं आता, सबको दिमाग से निकाल दो, अब बेसिक से सारी बातें सुनो। और यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस को कैटेगरी वाइज बांट दिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री को बांटा था मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना दी, भाई टाइप 1 में इस प्रकार क्वेश्चन होंगे, टाइप 2 में इस प्रकार क्वेश्चन होंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने पड़ते नहीं समझ में आता, तो ये सारे तमाम क्वेश्चन सारे चीज पूरा कॉन्सेप्ट ट्राइंगल्स का हर एक चीज इस सेशन इस सीरीज में खत्म होने वाला है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अभी जाकर कर दो यार, क्योंकि एग्जाम में आग लगाने वाले हैं, आपके जो 80 out of 80 लाने का सपना ना वो पूरा करने वाले हैं। तो आइयो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी डाउट्स निकल के आते हैं वो आप लोग हमें ये व्हाट्सएप नंबर हमारा ऑफिशियल है इसमें पूछ सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आप डायरेक्ट मुझसे पूछना चाहते हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पर डीएम कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल के अंदर जितने भी मैं सारे जो एमसीक्यू उसका मैराथन हुआ था, जितने भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, इन सबकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम के अंदर ही भेजता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक में एक सुंदर सा पेज भी है जहां पर हम फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस लेता हूं ना, फालतू क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके यहाँ पर साथ में पीवाईक्यूज भी हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, क्योंकि सीबीएसई हर साल नए क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्वेश्चन लिमिटेड है, जैसे ह्यूमन ब्रेन के लिमिटेड है ना, इतना ज्यादा क्वेश्चन कहां से बना सकते हैं, बस नंबर चेंज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चंस का पैटर्न या क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे रिपीट हो जाते हैं पीवाईक्यू से, तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। और इस बार जो हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं शिवदास पब्लिकेशन की बुक है, जो लास्ट 7 ईयर्स है, अभी रिपब्लिक डे का सेल चल रहा है, काफी भारी डिस्काउंट मिल रहा है, 200 से नीचे में आपको ये किताब मिल रही है, बाकी जगह आपको ऐसा नहीं हुआ, केवल यहां पर आपको 200 से कम प्राइस में एक किताब मिल रही है, लास्ट 7 ईयर पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन जितने पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं वो इसी किताब से कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है और वेट कर रहे थे तो अब सही समय आ चुका है, रिपब्लिक डे का सेल आ चुका है, और मैं आपको बाइंग जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो, कोई भी लोकल स्टोर आपके आसपास है वहां से जाके इसे परचेज जरूर कर लेना अगर आप पीवाईक्यू की बुक देख रहे हो। तो आइए अब बात करते हैं ट्राइंगल्स की, एकदम स्टार्टिंग से बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे। मैं ये मान के चलूं कि आपको ट्राइंगल कुछ भी नहीं आता, कॉपी में लेके चुपचाप से बैठ जाओ, ध्यान से सुनते रहो, कोई भी चीज सीखना हो ना पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन हम कलयुग के जीव का ना एक बड़ा गंदा स्वभाव है, हमें सारी चीजें ऐसे क्विक चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए, एकदम फटाफट चाहिए, कुछ भी हासिल करना फटाफट से होना चाहिए, पेशेंस नहीं होता मेरे दोस्त। एक बात ध्यान रखना, जब बूंद बार 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 किसी कठोर पत्थर में गिरती है ना लगातार पेशेंस के साथ, तो वो उसको भी चीर देती है, पर मींस क्या पेशेंस, एक बूंद एक बार गिरने से पत्थर नहीं चीरती, बार 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 एक ही जगह पर गिरने से उस पत्थर को दो टुकड़ों में कर सकते, ये ताकत है लगातार पेशेंस रख के काम करने की। तो पेशेंस रखो, हो जाएगा आराम से, रिलैक्स, कॉपी लेके बैठो ईयरफोन के साथ, अपना कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं चाहिए मुझे, एकदम वीडियो देख खत्म करना, ट्राइंगल्स का डर आज खत्म, आज के बाद मैं गारंटी देता हूं आपके ट्राइंगल्स का डर ना खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, एग्जाम्स में ट्राइंगल्स से भागते थे अब ढूंढ ढूंढ के करोगे ट्राइंगल्स के क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद। आइए ज्यादा बातें हो गई हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले हमें हथियार तो चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है, हथियार क्या होता है, कॉन्सेप्ट को हथियार मानता हूं मैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कितना भी मुश्किल क्वेश्चन होगा सारे हम कर पाते हैं,
क्योंकि हम कोई भी टीचर होता है कॉन्सेप्ट के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वही आगे कुछ अच्छे से कर सकता है, वरना सारे क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। तो आइए फटाफट से कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, टू द पॉइंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला की पॉइंट क्या होने वाला है, कह रहे हैं कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ। अब यहां पर एक वर्ड आया इसका नाम है पॉलीगन। अब ये पता, सारी बातें पता होनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत होगी। पॉलीगन का मतलब क्या, आप टेंशन सारी बातें बताएंगे। पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा क्लोज्ड फिगर, क्या होता है, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि आपका स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो। किससे बना हो, स्ट्रेट लाइन से मिलके, मतलब कोई भी एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि आपका स्ट्रेट लाइन से मिलके बना हो उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊं, अच्छा एक बताओ कि क्या मैं दो लाइन से पॉलीगन बना सकता हूं, क्या दो लाइन से मैं क्लोज फिगर बना सकता हूं? नहीं, मुझे कम से कम जो है तीन लाइन मुझे चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। और इस पॉलीगन को नाम क्या देते हैं हम लोग, बोलो, ट्राइंगल। हमारा सबसे छोटा जो पॉलीगन है, सबसे कम साइड वाला, वो हमारा क्या होता है, ट्राइंगल होता है। ऐसे उसके बाद जिसमें चार साइड निकल के आते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये भी क्या अपने पास एक पॉलीगन है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो मेरे ख्याल से आपको पॉलीगन का मतलब समझ में आ गया। देखो अभी कहना, जिस बच्चों को छोटी छोटी सारी चीजें पता ना वो सीधा स्किप करे क्वेश्चन में चला जाए, पर जिन मैं ये लेके चलो कुछ बच्चों कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक एक हमारे पास क्या है, एक स्टेज सेट हो जाए, उसके बाद फटाफट से हम क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, एक रिवीजन टाइप का करा रहे, ठीक है। अगर आपको ये पहले से पता है, स्किप करके सीधा टाइप वन में जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये उन भाई बहनों के लिए जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है ट्राइंगल्स के अंदर, तो उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता रहा हूं ताकि बिल्कुल सारा जो डर है ना वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड फिगर से बना, एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना क्लोज्ड फिगर। तो सबसे छोटा पॉलीगन का ट्राइंगल होता है, फिर क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर पांच सारे पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे निकल के आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो दो पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, यहां पर कंपेयर, दो पॉलीगन की बात कर रहे हैं, मान लो कोई दो पॉलीगन हमारे पास यहां पर है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं फटाफट से, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग यहां पर ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक पॉलीगन तो ये हो गया, मैंने एक और पॉलीगन जो है इस तरीके से ले लिया, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी और डी, और यहां पर ले लिया मैंने पी क्यू आर एस, मैंने यहां पर जो है इस तरीके से मैंने यहां पर दो पॉलीगन को ले लिया। जो ये बात बोल रहा है उसको समझाने के लिए आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है, ये कहते हैं कि दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड, तो मैंने दो पॉलीगन ले लिए जिनके सेम साइड है, चार चार क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, ठीक है। अब ये सिमिलर कब होंगे, सिमिलर हमारे मतलब क्या है, सिमिलर का मतलब होता है एक ऐसे फिगर जो दिखने में सेम हो लेकिन साइज ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, यहां पर ये पेन है, ठीक है। अब ये दो जो पेन है ना वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज मैटर नहीं करता, साइज छोटा बड़ा, लेकिन दिखने में अगर एक जैसे हैं, सिमिलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। मतलब फिगर्स विच हैव सेम शेप, लेकिन जरूरत नहीं है उसका साइज भी सेम हो, केवल सेम शेप हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये सर्कल है, एक ये सर्कल मान लो और एक ये सर्कल मान लो, ये दोनों दिखने में गोल आकार के हैं, तो दोनों फिगर सिमिलर हैं, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। और ऐसे फिगर जिनका सेम शेप होता है और सेम साइज होता है, मतलब दिखने में भी एक जैसे और साइज भी एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दो सर्कल ले लिया है जिनका रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर का है, तो इनका सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, और ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में अपने अच्छी तरीके क्लास 9th में पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट हमारे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इससे इस चैप्टर से कॉन्ग्रुएंट कोई भी ताल्लुक दूर दूर तक नहीं होने वाला, हम सिर्फ सिमिलर के बारे में पढ़ने वाले, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप लोग ध्यान रखना, कोई भी दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनका जो साइड का साइज है ना, मतलब जो साइड की लंबाई है वो सेम हो। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब उनका रेडियस सेम हो। इस तरीके से हमारे पास ये जो फिगर्स है दिखने में एक जैसे, बट इनका साइज जो है क्या है वो अलग है, तो ये सिमिलर कहलाते हैं। तो दो ऐसे फिगर्स जिनका सेम शेप हो बट साइज जरूर नहीं है सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि दो फिगर, दो पॉलीगन को हम सिमिलर कैसे कहेंगे, केवल थ्योरेटिकल भाषा में काम तो चलेगा नहीं, हमें मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो दो पॉलीगन को जब भी पढ़े प्रूफ करना, तो उन्होंने भाई कंडीशन रख दिए, कोई भी पॉलीगन है सेम साइड वाले उनको सिमिलर हम तब कहेंगे, पहला कब, जब ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, मतलब क्या है करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या, जैसे मान लो ये एंगल ए है, तो ए के करस्पॉन्डिंग अपने पास पी है ना, मतलब क्या इसने बोला, अगर एंगल ए जो है वो आपका एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो, और ऐसी एंगल डी जो है वो एंगल एस के बराबर हो। इन्होंने बोला पहले जो कंडीशन है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम आते हैं, एक जैसे आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन को हम सिमिलर बोलेंगे, ठीक है, ध्यान सुना। और ये दोनों कंडीशन, इन्होंने नहीं बोला कि या तो ये ना, दोनों कंडीशन, मतलब किसी भी पॉलीगन को सिमिलर प्रूफ करने के लिए
ये भी कंडीशन के साथ साथ ये भी कंडीशन होनी चाहिए सेकंड वाले जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। सेकंड क्या है, ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम होना चाहिए या फिर वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। अब प्रोपोर्शनल क्या मतलब होता है उसको भी आप यहां पर आसान भाषा में समझो। क्या इनका मतलब क्या है, अगर मैंने यहां पर ए बी लिया है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू के रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। ये बराबर आंसर किसके, अगर मैं बी सी ले रहा हूं और यहां पर क्या क्यू आर, तो बी सी अपॉन पे क्यू आर बराबर में क्या आएगा सी डी अपॉन पे एस आर, सी डी अपॉन पे एस आर और बराबर निकल के आएगा आपका ए डी अपॉन पे पी एस, ए डी अपॉन पे पी एस निकल के आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, ये दोनों कंडीशन आपकी, ये दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए ये प्लस में, तभी हम किसी भी दो पॉलीगन को सिमिलर कह सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, किसी भी दो पॉलीगन जिनका सेम नंबर ऑफ साइड है उनको हम सिमिलर तब कहेंगे जब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। और वो दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो ये है कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ए पी के बराबर होना चाहिए, बी क्यू के बराबर होना चाहिए, सी आर के और डी एस के ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए और साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, रेशियो मतलब क्या बटे में होता है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग क्या है पी क्यू है, तो ये अपने बटे में ले लिए, तो इन सबका सेम आंसर हमारे पास रेशियो सेम होना चाहिए। अब ये बात और ध्यान रखना है, ये जो मैंने कहा ना इसके साथ साथ इसका होना भी कंपलसरी है, ऐसा उस पॉलीगन के लिए है जिनकी साइड या तो चार है या चार से बड़ी है। जो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन है ट्राइंगल पे, ट्राइंगल पे ये दोनों कंडीशन कंपलसरी नहीं होती। अगर केवल ये वाला केवल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए तो भी ट्राइंगल सिमिलर कहलाता है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए तब भी ट्राइंगल सिमिलर कहलाता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए काम चलेगा। लेकिन जितने भी ऐसे पॉलीगन है जिनका साइड चार या चार से ज्यादा है उसमें इन दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। अगर मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर नहीं है तो फिर वो दो पॉलीगन सिमिलर नहीं कहलाएंगे, अगर वो चार साइड या चार से ज्यादा वाले हैं तो। केवल ट्राइंगल के केस में ऐसा होगा कि दोनों में से कोई भी एक चीज फुलफिल हो जाए तो वो आपका सिमिलर होगा। बात समझ आ गई, ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, पॉलीगन के बारे में बताया, फिर बताया सिमिलर का मतलब क्या होता है, फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नीड टू बी ऑफ सेम साइज आर नोन एज सिमिलर, और ऐसे फिगर जिनका सेम शेप हो सेम साइज उन्हें कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन होती है, दोनों कंपलसरी होती है, पहला कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होना चाहिए, दूसरा कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन ट्राइंगल केस में ऐसा नहीं होता, ट्राइंगल केस में कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो भी आपके दोनों फिगर क्या है सिमिलर है। बात समझ में आ गई सारी कहानी, अरे बहुत आसान है, मैंने कहा ना सब भूल जाओ, धीरे धीरे जो बता रहा हूँ उसको समझते चलो आराम, जो काम भी से वही बता रहा हूँ, फालतू चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करने नहीं आया हूँ क्योंकि ये चीज तो मैं ऑलरेडी वन शॉट में बता चुका हूँ, पर यहाँ पर कोई रिवीजन है सारी चीजें, ठीक है आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट की पॉइंट अपने पास है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो बीपीटी थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और साथ ही साथ में उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। एक बार क्या हुआ एग्जाम पे ना आ गया प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, बच्चे छोड़ के आ गए, उन्हें पता ही नहीं कि बीपीटी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे बीपीटी बोले चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बोले चाहे थेल्स थ्योरम बोले, बात एक ही है, आपके एग्जाम में ना दो थ्योरम ही है, एक चैप्टर सिक्स से है और एक चैप्टर टेन से है, एक तो बीपीटी हो गया और चैप्टर नंबर टेन से सर्कल से दो थ्योरम आपके बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर में दो ही थ्योरम होने वाले हैं मेरे पास, एक बीपीटी थ्योरम होगा और एक होगा इसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के प्रूफ की नीड नहीं आपको करने की, उसको प्रूफ नहीं पूछेगा, केवल आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बट बेसिक बीपीटी थ्योरम में क्या है, आपको ये प्रूफ आना चाहिए, ये प्रूफ हम यहाँ पर नहीं करने वाले, मैं बीपीटी थ्योरम को समझाने वाला अच्छे से, इसका प्रूफ आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और जो मैंने वन शॉट लेक्चर कराया आपको एनसीईआरटी में कोई भी दिक्कत आती है ना, कोई भी दिक्कत अगर केवल एनसीईआरटी करना चाहते हो ना, तो मैंने वन शॉट लेक्चर सारे करा रखे, आप सर्च करना ट्राइंगल बाय ज्ञानकीडा, आपको वन शॉट की वीडियो मिल जाएगी, वहां पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रूफ कराया, बहुत आसान तरीके से, अगर प्रूफ में दिक्कत होती है तो आप जाके वो देखना वीडियो, वरना बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले, तो क्वेश्चन है प्रूफ का कोई मतलब नहीं, समझना है, अब बीपीटी थ्योरम को ध्यान समझो, स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। क्या कहता है बीपीटी थ्योरम, कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, क्या है ट्राइंगल एबीसी है, कह रहा है किसी भी ट्राइंगल के है ना एक मैं लाइन खींचू, अ लाइन इज ड्रॉन, कैसे खींचू, इस तरीके से खींचू कि किसी भी ट्राइंगल के ना जो भी ट्राइंगल है उसकी कोई भी एक साइड के वो पैरेलल हो। वन मोर टाइम,
मैंने किसी भी ट्राइंगल पे एक मैंने लाइन खींची डी और इस तरीके से कि वो पैरेलल है किसी भी एक साइड के, मतलब बीसी के वो पैरेलल दे रखा है। इसने बोला टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंग पॉइंट, इस तरीके से कि वो बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट में कट कर रहा है। मैं किसी ट्राइंगल पे एक ऐसी लाइन खींचता हूं डीई जो कि एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है डी और ई पे, ठीक है। देन उसने बोला द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, अगर ये होता है तो जो दो साइड बची थी हमारे पास वो सेम रेशियो में बट जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, इफ यहां पर ये बोल रहा है अगर मान लो डीई जो है वो पैरेलल दे रखा है बीसी के, ठीक है, डी एक लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है और बाकी दो साइड को डी और ई में इंटरसेक्ट कर रहा है, देन हम बोल सकते हैं इसके बाद हम बोल सकते हैं कि एडी जो है एडी अपॉन पे बीडी जो है वो बराबर आ जाएगा एई अपॉन पे ईसी के, इसी को हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल है, मतलब क्या है भाई, एडी अपॉन पे बीडी बराबर में एई अपॉन पे ईसी, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसको हम पलट भी सकते हैं, अगर हम ऐसे बोले बीडी अपॉन पे एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन पे एई, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी सेम ही चीज निकल के आ गई, रेसिप्रोकल हम लोगों ने यहां पर करा है। तो मेरे ख्याल से आपको बीपीटी थ्योरम अच्छे से समझ में आ चुका है। बीपीटी थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिमिलरिटी क्राइटेरिया के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी सारे क्वेश्चन करेंगे, बस आप यहां फटाफट से इसको समझते चलो क्या क्या मामला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है। अब बीपीटी ने क्या बोला कि भाई अगर कोई ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल थर्ड साइड के और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम रेशियो डिवाइड करेगा। इसका कन्वर्स कहता है कि अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो कि दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। पीछे क्या बोला, अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। यहां पर कह रहा है कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, कंडीशन क्या दी है, इसने बोला अगर इफ, ठीक है, यहां ध्यान सुनना, इफ एडी अपॉन पे बीडी, ठीक है, बराबर आ जाए एई अपॉन पे ईसी के, देन हम बोल सकते हैं, देन हम बोल सकते हैं कि DE जो है वो पैरल है BC के ऊपर। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, टाइप्स मैंने क्रिएट किया, दोनों में अंतर समझो बिल्कुल ध्यान से। यहां पर क्या बोला, अगर ये पैरल है तो रेशियो सेम, और यहां पर बोला अगर रेशियो सेम है तो लाइंस क्या होंगे, पैरल होंगे। ये होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का आपको प्रूफ याद नहीं रखना, प्रूफ नहीं करना, केवल स्टेटमेंट याद रखनी है, लेकिन जो बीपीटी थ्योरम है इसका आपको स्टेटमेंट के साथ साथ का प्रूफ भी आपको आना चाहिए। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जहां पर आपको केवल थ्योरम लिख के देगा कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, लिख के ले लेना, यही क्वेश्चन 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम आएगा और बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया होगा, बताना किस किसी प्री बोर्ड में, जैसे मैंने बोला ना अभी वैसे क्वेश्चन आए थे। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या कर लिया भाई, बीपीटी थ्योरम समझ लिया, पहले क्या है भाई दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं समझ लिया, दूसरा समझा बीपीटी थ्योरम, तीसरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब चौथा हमारे पास बचा है कि मैंने अभी पीछे बताया था कि किसी भी दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं अगर उनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, लेकिन ट्राइंगल के अलावा बाकी पॉलीगन में अप्लाई नहीं होता था। तो आइए अब समझते हैं दो ट्राइंगल को सिमिलर हम कब कब प्रूफ कर सकते हैं। दो ट्राइंगल को सिमिलर केवल 3 तरीके से किया जाता है, बहुत ही आसान है, दो आपको पता चल चुका है, तीसरा और सुन लेना, समझते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल डीईएफ दे रखा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपको पता चल गया क्या कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो हम ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। दोनों कंडीशन कंपलसरी नहीं होती, वो दूसरे पॉलीगन के लिए होती है, इसकी 4 साइड्स होती है, उससे ऊपर होती है, ठीक है। चलो तो अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, मतलब अगर मैंने ए बी सी लिखा है तो उससे करस्पॉन्डिंग क्या डीईएफ है, मतलब ए डी के बराबर होना चाहिए, बी आपका ई के बराबर होना चाहिए और सी आपका एफ के बराबर होना चाहिए। अगर हमारे पास तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल दोनों के आपस में सिमिलर है। और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, एंगल एंगल एंगल, 3 एंगल हमने इस्तेमाल किए। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सा मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, इस तरीके से कोई ट्राइंगल ले लिया, मैंने बोला ये देखा 60 डिग्री, ठीक है, और ये देखा 70 डिग्री, है ना, ये ए है और ये बी है और ये सी है, और एक ट्राइंगल मैंने और ले लिया जहां पर मैंने बोला कि ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री है और ये मैंने बोला पी है और ये क्यू है और ये आर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। हमने क्या सीखा, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। पर यहां पर तीनों एंगल बराबर तो है नहीं तो सिमिलर नहीं बोलते, काम का सिमिलर नहीं है। नहीं, गलत है, ये आपका सिमिलर होगा। क्यों, अगर किसी भी ट्राइंगल पे हमें अगर दो एंगल दे रखे हम तीसरा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या मान लो 60 है ये 70 है, तो आप बताओ ये वाला कितना आएगा, ये हमारा आएगा 50 डिग्री निकल के आएगा,
और यहाँ पर क्या है 70-50 कितना आएगा 60 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है 60-60 70-70 50-50 निकल के आ गया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये साइन होता है सिमिलर का, ठीक है। दो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, इसका अगर हमें दो एंगल दे रखा हम तीसरा निकाल सकते हैं तो सोचना है कि क्या तीसरा एंगल निकल के सिमिलर बन रहा नहीं बन रहा। तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये एंगल 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 से सिमिलर बन रहा है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई, जो मैं बात कर रहा था उसको मॉडिफाई करते हैं, इसको सबको मिटाता, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, ध्यान सुनना। मैंने बोला कि भाई ये एबीसी दे रखा है, ये दे रखा 50 डिग्री और ये दे रखा 70 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये 50 है, ये 70 डिग्री दे रखा है। मैंने पूछा क्या ये सिमिलर है, तुम कहोगे सर आपने कहा था भाई तीनों ट्राइंगल तीनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, पर यहाँ पर जो है तीसरा एंगल पता नहीं। अब भाई तीसरा एंगल कुछ भी हो सकता है, दो तो सेम है लेकिन तीसरा क्या पता सेम ना हो, तो इसलिए सिमिलर नहीं होगा क्या? गलत है। अरे एक बात बताओ, अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा तो जब निकालेंगे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से 70 और 50 कितना 120 होता है, तो ये आएगा 60 डिग्री, ये भी कितना आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब किसी दो ट्राइंगल के अगर केवल दो एंगल बराबर हो जाए ना तो तीसरा बराबर करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसका मतलब मैं एंगल 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 से तो कर सकते हैं, लेकिन एक नया निकाला मैंने, अगर केवल किसी भी दो ट्राइंगल का अगर मैंने केवल दो एंगल को बराबर कर दिया ना तो उसको भी मैं सिमिलर बोल सकता हूं। तो हमने और छोटा कर दिया एंगल एंगल, अगर तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर किसी ट्राइंगल केवल दो एंगल भी बराबर है ना तो वो भी सिमिलर है। और ये मान लो तो रामबाण है, इसका इस्तेमाल प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर कोई आसान करता ना दो ट्राइंगल को प्रूफ करने का सिमिलर, तो वो करता है एंगल एंगल। कैसे? अभी आगे सारे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, किसी भी दो ट्राइंगल पे अगर तीनों एंगल बराबर हो या फिर दो एंगल बराबर हो तो उन ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। नेक्स्ट तीन ही क्राइटेरिया होते हैं और इसको हम बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, हम बोलते हैं एंगल 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 क्राइटेरिया बोलते हैं या फिर एंगल एंगल बोलते हैं, ये इस क्राइटेरिया का नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एस ए एस। क्या बोलते हैं? एस ए एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस ए एस क्राइटेरिया बोलते हैं। एस का मतलब क्या? साइड, और दूसरा एस मतलब क्या? साइड, और बीच में क्या? एंगल। यहाँ पर साइड ना दो साइड बराबर नहीं होता, जब भी साइड का जिक्र होगा मान के चलना साइड का रेशियो, क्या बोलता स्टार्टिंग में मैंने, साइड का रेशियो, साइड इक्वल नहीं बोले थे मैंने, तो जब भी एस लिखा होगा एस का मतलब साइड का रेशियो है। कुछ बच्चे इसको साइड मान के गलती करते हैं पूरे टाइम पे ना, तो एस मतलब रेशियो है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल अगर मेरे को दे रखे हैं, क्या बोला, अगर मान लो ए बी अपॉन पे डी, भाई ए बी एक साइड है और डी दूसरी साइड है, तो दोनों का क्या मैंने रेशियो ले लिया ए बी अपॉन डी, तो एक साइड का रेशियो, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास बी सी यहाँ पर लिया, इसका करस्पॉन्डिंग क्या ई एफ है, तो बी सी अपॉन ई एफ, अगर दो साइड का रेशियो क्या है सेम है, और इंक्लूडिंग एंगल, कौन सा एंगल और इंक्लूडिंग एंगल अगर हमारे पास इक्वल है तो तब भी दोनों ट्राइंगल क्या है सिमिलर होंगे। बात समझ नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान सुनना। अगर मान लो कोई ट्राइंगल दे रखा है ये एबीसी, क्या बोला मैंने, ए बी सी दे रखा है, और एक और ट्राइंगल मेरे पास दे रखा है, इसका नाम क्या अपने पास डी ई एफ है, ध्यान सुनना, कंफ्यूज बहुत होते हैं उसमें तुम लोग, डी एफ है। मैंने क्या बोला भाई, अगर मान लो ए बी अपॉन पे डी ई जो है वो बराबर है बी सी अपॉन पे ई एफ के, मतलब क्या है, मैंने ये वाली साइड ली है और ये वाली साइड ली है, ठीक है, ये साइड ले बराबर नहीं, ठीक है, तो ए बी अपॉन पे डी और बी सी अपॉन पे ई एफ है, तो दो साइड का रेशियो सेम है, और इसके साथ साथ जो इंक्लूडिंग एंगल है ना वो भी आपका सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, इंक्लूडिंग एंगल मतलब क्या है कि आपका एंगल बी जो है ना वो एंगल सी, देखो मैंने ये साइड ली है और ये साइड ली है, तो एंगल कौन सा बना, एंगल बी बना, यहां पर एंगल ई बना, तो एंगल बी जो है ना वो एंगल ई के बराबर होना चाहिए। जब दोनों साथ में होंगे तो हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं। और अगर मान लो ये बराबर है इस तरीके से और बोला जाए एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, तो फिर ये सिमिलर नहीं है। अगर क्या बोल दिया जाए एंगल सी एंगल एफ के बराबर है तो ये सिमिलर नहीं है, क्यों, ये इंक्लूडिंग एंगल नहीं है। एंगल सी कब होता, जब हम ए सी अपॉन पे डी एफ और BC अपॉन पे EF लेते, तब यहां पर जो एंगल C का इस्तेमाल होता और यहां पर एंगल F का इस्तेमाल होता, इंक्लूडिंग एंगल, बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से लास्ट में बता रहा हूं, मैं क्या, अगर मैंने AB अपॉन पे DE इक्वल टू BC अपॉन पे EF लिया, तो यहां पर जो एंगल आ रहा है B और एंगल E, ये बराबर होने चाहिए। एंगल AD से कोई मतलब नहीं, एंगल CF के बराबर कोई मतलब नहीं, पर अगर ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो इंक्लूडिंग एंगल, इसको बीच में लिखा गया है, बीच का मतलब होता है इंक्लूडिंग एंगल, तो दो साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल बराबर हो तो दो ट्राइंगल को साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर बोल सकते हैं। समझ में आ गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लास्ट क्राइटेरिया हमारे पास क्या होने वाला, वो है हमारे पास साइड साइड साइड, आप समझ गए होंगे।
मैंने आपको दो चीज बताया था क्या, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो और तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो तो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, स्टार्टिंग बताया था मैंने। तो यहाँ पर वो जाता है कि अगर तीनों साइड का रेशियो सेम निकल के आ जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या बन जाते हैं हमारे पास, सिमिलर बन जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं, मेरे साथ साथ सब छोड़ दो, ध्यान सुनो। सबसे हमने क्या करा बोलो, याद करो, सबसे पहले हमने समझा कि पॉलीगन का मतलब क्या होता है, फिर समझा दो फिगर को सिमिलर कब बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है, हमने सीखा। उसके बाद दो फिगर को, दो पॉलीगन को सिमिलर कब बोलते हैं, जब हम उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, दोनों कंडीशन कंपलसरी है। लेकिन ट्राइंगल केस में ऐसा होता है केवल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो या करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो तब भी काम चल जाता है, पर अगर कोई पॉलीगन कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट होता है, चार साइड से स्टार्ट होता है, तो दोनों कंडीशन कंपलसरी होती है। उसके बाद हमने बीपीडी थ्योरम सीखा कि अगर मान लो कोई एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है इस तरीके से कि दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो उसकी क्या होती है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होती है। और कन्वर्स ऑफ बीपीडी क्या होता है कि अगर सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब उसका जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। उसके बाद हमने क्राइटेरिया सीखा, तीन क्राइटेरिया सीखा किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने का। पहला क्राइटेरिया क्या था, एंगल एंगल एंगल, बाद में मॉडिफाई किया, ये देखा कि दो एंगल से भी काम चल जाएगा, तो अगर एंगल एंगल से भी हम किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या सीखा हम लोगों ने, एस ए एस, दो साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल बराबर होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया सीखा हम लोगों ने, साइड 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 का, ठीक है। दो तो पहले से पता था आपको, साइड 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 वाला और ये वाला, बस ये बीच में नया सीखा आपने, एस ए एस। तो आइए कॉन्सेप्ट हम सबने सीख लिया है, अब बारी है क्वेश्चंस में आने की, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम पर टाइप वन है, आप समझो टाइप वन है, पहले किस प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो हम लोगों ने अभी बेसिक चीजें पढ़ी है लाइक बीपीडी थ्योरम उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। लाइक हमने सीखा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे प्रूफ करते हैं, उसका इस्तेमाल करके छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे नहीं है, अच्छे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ध्यान से देखना फटाफट से इसको, कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये इसके पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू बताइए, या फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया, सारे पीवाईक्यूज में आए हुए क्वेश्चन है। इन सबको आप बड़े आराम से कर पाओगे यार, अभी तक आप लोग डरते थे ना कि कोई ट्रायंगुलर क्वेश्चन मुझसे ना पूछ ले, मुझे शायद समझ नहीं आएगा, पर आप सारे क्वेश्चन बड़े आराम से करते चले जाओगे, किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा। पहला क्वेश्चन टाइप वन का, इन गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है, अगर आपको कह रहा है कि DE जो है वो BE के पैरेलल दे रखा है, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, मतलब जो DE जो है वो BC के पैरेलल है, मतलब किसी ट्रायंगल पे एक ऐसी लाइन है खींची है हमने जो कि बाकी दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। देन कह रहा है फाइंड AD, तो ये समस्या है जो मैं आपको बताया, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई लाइन है जो कि साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है तो सेम साइड के रेशियो में डिवाइड करते हैं, मतलब क्या, AD अपॉन पे BD इक्वल टू AE अपॉन पे AC, BPT थ्योरम। तो हम यहां पर बोलेंगे भाई इफ अगर हमारे पास क्या है, DE जो है वो पैरेलल दे रखा है BC के, दो हम बोल सकते हैं, देन यूजिंग BPT थ्योरम क्या बोलेंगे भाई, AD अपॉन पे BD जो है वो बराबर आएगा AE अपॉन पे AC के। अब तुम लोगों को यहां पर कैलकुलेशन की दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसको भी समझो ध्यान से। तो AD के नीचे BD कितना दे रखा है आपको, 7.2 दिया हुआ है, और AE कितना अपने पास 1.8 है, और EC कितना अपने 5.4 दे रखा है, बोलो बात समझ में आई नहीं, क्लियर आता, क्रॉस करेंगे तो आएगा AD मल्टीप्लाई बाय 5.4 इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 निकल के आएगा, ठीक है। और यहां से हम बोलेंगे AD जो है, अब जो यहां पर मल्टीप्लाई में है वो वहां से डिवाइड में बन जाएगा, तो आएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 और डिवाइड में आएगा 5.4। अब मेन दिक्कत यही, इतना तो हम लोग को आता है लेकिन अब डिवाइड कैसे करें, काटे कैसे, ठीक है। जब सेम जगह पॉइंट होता ना, यहां पे एक जगह पॉइंट है और यहां पे एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो उसको 18 और 54 मान सकते हो, तो 18 3 18 3 54 होता है, ठीक है। अभी 3 है 3 से काट दो से, 3 2 6 बचा 1 3 4 12, तो कितना आएगा AD निकल के आगे पास 2.4 और सेंटीमीटर निकल के आगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है, हर चीज को बेहतर बनाते चलना, बहुत ही आसान है, बीपीटी थ्योरम लाइक क्वेश्चन करना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यहाँ पर बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच will make DE parallel to AD, कह रहा अगर DE जो है वो AB के parallel है तो X की value क्या होगी, अगर DE AB के parallel है इसका मतलब क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, if बोलो हम बोलेंगे कि if DE जो है वो parallel है अगर AB के, तो हम क्या बोलेंगे, then हम बोल सकते हैं, ठीक है,
साथ साथ बोलो मेरे से, ठीक है? ये पॉइंट को पकड़ना आपने, हम क्या बोलेंगे, सीई अपॉन पे ई ए, बोलो सीई अपॉन पे ई ए बराबर होगा अपने पास सीडी, सीडी अपॉन पे बी डी के, बोलो बात समझ में आई नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बीपीडी का इस्तेमाल किया। तो ये क्या आएगा अपने पास, ये है अपने पास एक्स प्लस में थ्री और नीचे दे रखा कितना है थ्री एक्स प्लस पे 19 और बराबर में दे रखा है अपने पास x अपॉन पे 3x प्लस में 4। ये तो बहुत आसान था, ठीक है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब x प्लस को 3 को मल्टीप्लाई करना किससे, 3x प्लस में 4 से और बराबर में आएगा x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस पे 19, इसके बराबर निकल के आएगा। अब आइए फटाफट से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब लिखेंगे x लिखेंगे फिर लिखेंगे 3x प्लस में 4, ठीक है? फिर प्लस में 3 लिखेंगे और 3x प्लस में 4। तो जब दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला नंबर लिखेंगे फिर साथ में फिर ये फिर दोबारा, ठीक है? और बराबर में कितना आएगा, x को इससे करेंगे तो 3x का स्क्वायर आएगा और 19 को x से करेंगे तो 19x निकल के आएगा, ठीक है? ओपन करें कितना आएगा 3x का स्क्वायर और x into 4 4x है, 3 3 जा 9x हो गया, प्लस में 4 3 12 हो गया, इक्वल हो गया 3x का स्क्वायर और प्लस पे 19x निकल के आ गया। अब इससे खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 9 4 कितना 13 होता है, तो 13x प्लस में 12 जो है x not 12 x 12 जो देखा है ना इक्वल टू आ गया 19x के बराबर। अब x वाला उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा हमारे पास 19x माइनस में 13x जो है वो 12 के बराबर और 6x 12 के बराबर और x को अकेला छोड़ेंगे तो 12 अपॉन में 6 तो x जो है वो 2 निकल के आ गया, 6 टू जो 12 तो 2 जो है x की वैल्यू निकल के आई है। तो बीपीटी थ्योरम के ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहां पर सिंपल आपको रेशियो लिखने होते हैं और उसके बाद फिर ऐसे x की वैल्यू दे देगा कुछ और दे देगा, तो ये बहुत ही मस्त करा क्वेश्चन हो जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 के, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अब यहां पर कह रहा ध्यान सुनना, अक्सर ना ऐसा भी होता है जहां पर ना हमें लगता है बीपीटी थ्योरम का स्पेल होगा, हालांकि वो डायग्राम दे रखा है ये बीपीटी थ्योरम का याद दिलाता है कि एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल अगर दे रखा है तो ये रेशियो निकालो, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना ऐसे क्वेश्चन से बीपीटी ना लग के ट्राइंगल्स का क्राइटेरिया लग रहा होता है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला गया इन द गिवन फिगर, ठीक है ध्यान सुनना, इन द गिवन फिगर कह रहा है एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरल है, कह रहा है एक्स वाई जो है क्यू आर के पैरल है एंड इसने बोला पी एक्स अपॉन पे एक्स क्यू और पी वाई अपॉन पे वाई आर 1/2 जो होना चाहिए सेम रेशियो डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है फाइंड एक्स वाई रेशियो क्यू आर, हमें एक्स वाई रेशियो क्यू आर चाहिए। अब ये यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान सुनना क्या होगा यहाँ पर गड़बड़ होगा, क्यों गड़बड़ हो गई भाई, हमें क्या बोला गया, सिंपल सी बात है अगर एक्स वाई जो है वो अगर पैरेलल है क्यू आर के तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है भाई, पी एक्स अपॉन पे एक्स क्यू जो है वो बराबर होगा पी वाई अपॉन पे वाई आर के और ये दे रखा 1/2 के बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसके बाद क्या करें, पर हमसे क्या पूछ लिया, इसने पूछा भाई एक्स वाई अपॉन पे क्यू आर क्या दे रखा है, अब ये गड़बड़ हो गई। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इस वाले ट्राइंगल का एक साइड पार्ट है और क्यू आर क्या बड़े वाले ट्राइंगल का एक पार्ट है, तो यहां पर छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करके इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है? कैसा ध्यान सुनना, ये ट्रायंगल दे रखा पी एक्स वाई, ठीक है? दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है, अब एक्स वाई इस ट्रायंगल का पार्ट है और क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है ना, पी एक्स कितना दिया हम लोग को पी एक्स और ये अगर 1 है तो ये 2 दे रखा है, ये 1 है तो हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है? ध्यान सुनना मेरी बातों में क्या बोले जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनना, ठीक है? तो हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल लेने हैं, कौन कौन से, हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल पी एक्स वाई छोटा ट्राइंगल और ट्राइंगल कौन सा पी क्यू आर, ऐसा हमने क्यों किया सर, यहाँ पर बीपीटी का थ्योरम का इस्तेमाल करके क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ना अगर साइड साइड की बात ठीक है पर यहाँ पर जो ये दे दिया ना इसने एक्स वाई और क्यू आर जब पूछे, जब ये चीज आ जाए तो समझ जाओ अब यहाँ पर सिमिलरिटी लगनी है, छोटा ट्रायंगल ये पी एक्स वाई और बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर के बीच में, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, हमें पता है एंगल पी, ध्यान सुनना एंगल पी जो है वो इस वाले ट्रायंगल पे भी आ रहा है और एंगल पी बड़े वाले में भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल पी जो है वो एंगल पी के बराबर है, क्या है ये हमारे पास कॉमन दे रखा है, क्या दे रखा है कॉमन दे रखा है, ठीक है? दो एंगल बताने होते हैं और अगर एक्स वाई क्यू आर के पैरल है तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, से क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि एंगल पी एक्स वाई जो है बराबर है एंगल पी क्यू आर के, क्या नाम दोगे इसको, उसको बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल पी एक्स वाई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, बाय यूजिंग एंगल, क्या यूज किया हम लोगों ने, बाय यूजिंग एंगल, दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गए सिमिलर हो गए,
जब दो ट्राइंगल अपने पास सिमिलर होते हैं, जब दो ट्राइंगल अपने पास सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होता ही होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर पी एक्स अपॉन पे पी क्यू, ठीक है, बराबर में आएगा एक्स वाई अपॉन पे क्यू आर और बराबर में आएगा पी वाई अपॉन पे पी आर। ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर निकल के आएंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई अपॉन क्यू आर, ये चीज हमें निकालनी है। तो ये इन सबके बराबर निकल के आएगा। अच्छा एक बात बताओ, पी एक्स कितना दिया है, पी एक्स हमारे पास वन है। अगर मैं बात करूं पी एक्स अपॉन पी क्यू की तो पी एक्स कितना अपने पास, पी एक्स वन दे रखा है। और पी क्यू कितना है भाई, पी क्यू ये है तो ये वन है और ये टू है, तो पी क्यू कितना हो गया, वन प्लस में टू थ्री निकल के आ गया, तो वन अपॉन में थ्री निकल के आ जाएगा। और आपको होता है एक्स वाई अपॉन क्यू आर इसके बराबर है, ये आपका देगा एक्स वाई अपॉन बाई क्यू आर के, और ये आंसर निकल के आ गया। बात समझ में आई नहीं, कितना आएगा पास, वन अपॉन बाय थ्री जो है वो इसका आंसर निकल के आएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, सेम डायग्राम दिखेगा लेकिन जब आपको बोल जाए ये साइड नीचे थर्ड साइड निकालनी पड़े एक्स वाई और क्यू आर के रिलेशन आए, तो उस केस में आपने क्या करना है, वहां पर फिर दोनों ट्राइंगल कॉमन सिमिलर प्रूफ करके फिर आपने साइड का रेशियो लेके चेक करना है, भाई ये वन दे रखा है ये टू दे रखा है, तो ये पूरा आपका थ्री हो गया। उस हिसाब से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ये तो ऐसा होगा अगर आपको मान लो ये एक मैच में आता, वन मैच में आता, तो सर ये सब करने की नीड नहीं है, वहां बिल्कुल सिंपल आपने सोचना है भाई ये वन है, ये वाली साइड वन है और बड़ी वाले कितने थ्री है, ये वन है बड़े वाले कितने थ्री है, तो अगर ये वन होगी तो बड़ी वाले कितनी होगी थ्री होगी, तो वन रेशियो थ्री निकल के आएगा। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो कब, जब हमारे पास ये वन मार्क्स पे पूछा जाए, ठीक है जी। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप वन पे, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इन द गिवन फिगर एम जो है एन के बराबर है, एम जो है वो एन के बराबर दे रखा, ध्यान सुनना। ओके, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी और सी, ए बी सी मतलब एक्स को ए बी सी के टर्म पे लिखना, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके बोर्ड में एग्जाम पे भी आया हुआ है। अब यहाँ फिर से बोली जाएगा, अब यहाँ बताओ दिखने में डायग्राम बीपीटी की तरह लग रहा है लेकिन यहाँ पर बीपीटी नहीं लगाओ, क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड साइड आ रही है, ये आ रहा है एक्स आ रहा है, यहाँ पर ये ए आ रहा है, तो यहाँ पर सेम वही चीज करना है, नोक को पकड़ के अपने, ठीक है, ये ट्राइंगल छोटा लेना है और इसी नोक को पकड़ के बड़ा वाला ट्राइंगल भी लेना है, तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना, जो कि यहाँ पर आपको सिमिलर दिखाई भी दे रहा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एन ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल कौन सा, के एन पी, तो के एन पी लेंगे, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल के और एम एल, के एम एल, ये दो ट्राइंगल लेंगे और दोनों में क्या है ना, अपने जो एंगल है ना ये बराबर होता है, ये जो एंगल के जो है ना, ये एंगल के दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल के इज इक्वल टू एंगल के, जो क्या लिखेंगे कॉमन, ठीक है। और गिवन है क्वेश्चन में इस ट्राइंगल पे एंगल सी और इस ट्राइंगल पे एंगल एम भी बराबर है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एम, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पर दो एंगल बताना है, केवल दो एंगल जब हम बराबर बताते हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल एंगल, बाय यूजिंग एंगल एंगल, ठीक है, ट्राइंगल के एम पी जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल के एम एल के, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है, मतलब क्या के एम, बोलो साथ में देखो रीड करो, के एम अपॉन पे ये के क्या है, के एम पी है और के एम एल है, ठीक है, के एन पी है, ये एम नहीं एन है, के एन है ये, ठीक है, तो के एन अपॉन पे के एम आएगा और बराबर आएगा एन पी अपॉन पे एम एल आएगा और बराबर आएगा के पी अपॉन पे के एल। ये तीनों जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम निकल के आता, ठीक है। अब चेक करो मुझे के एन कितना दिया हुआ, के एन, के एन सी दे रखा है और के एम कितना है, के एम, ये पूरा के एम है, ये सी ये बी, कितना आएगा बी प्लस सी निकल के आएगा, तो देगा बी प्लस में सी निकल के, ठीक है। और एनपी, एनपी क्या है हमारे पास, एनपी, एनपी एक्स दे रखा है, ठीक है। और एम एल कितना अपने पास, एम एल दे रखा है आपको ए, और ये अपने पास काम कर, ये के पी अपॉन, ये साइड नहीं दे रखी तो हम इसको नहीं लेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है बस। तो अब बताओ क्या आएगा, ये आएगा सी ए, सी इक्वल टू आएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय बी प्लस में सी निकल के आएगा। हमें बोला गया एक्स को निकाला इस टर्म पे, एक्स को अकेला छोड़ना है, तो एक्स आ जाएगा अपने पास ए सी अपॉन पे बी प्लस में सी, तो ये आ गया एक्स इन टर्म ऑफ ए बी और सी। ये आपका तीन मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो अक्सर ऐसे आ जाता है, वरना एक मार्क्स में भी सीधा आता है कि बताओ इसमें से कौन सा रिलेशन होगा ए बी सी और एक्स के अंदर, ठीक है। तो पहला जो टाइप होता है हमारे पास ये बहुत ही आसान होता है, पहले टाइप में हमें क्या बताना होता है, बस हमें अंतर समझो, अंतर समझो। ये जो दो क्वेश्चन थे ये डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम के ऊपर थे, क्योंकि ये पार्ट दे रखा था, ये इंक्लूड नहीं था। जैसे ही आपका ईडी और ए बी आ जाएगा तो आप समझ पा रहे होंगे, अब यहाँ पर आपको क्या है, बीपीटी नहीं लगाना, अब आपको छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है।
अब एक कंफ्यूजन बहुत रहती है, इसलिए ही मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेके आपका एक कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया, जो कि मैं शायद दूर भी कर पाया हूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर टू पे। टाइप नंबर टू की बात करते हैं कैसा है। टाइप नंबर टू ना बहुत ही ज्यादा आसान है और आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन याद दे रखे 6.2 में। टाइप नंबर टू में क्या होता है, हमें बोल देगा कुछ फिगर दे देगा और बोलेगा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम ये प्रूफ करके बताओ। ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, बहुत ही ज्यादा फ्री के मुफ्त के मार्क्स होते हैं इसमें। इसमें एक सिंपल क्राइटेरिया होता है जो कि आप फॉलो करोगे तो आज के बाद कभी भी ऐसे प्रूफ वाले जो क्वेश्चन ट्राइंगल्स के अंदर आप गलत करके नहीं आओगे। ध्यान सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि डीई अगर पैरेलल है एसी के, है ना, अगर आपका डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, तो सबसे पहला क्या काम करना आपने ये लिख लेना है कि डीई जो है वो पैरेलल है एसी के। अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे, इसको छोड़ दो अभी। अब डीई पैरेलल एसी के, तो एसी और डीई को लेके आओ, कहां ट्राइंगल बन रहा है आपका, बी ए सी, बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, बी ए सी। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, हमें क्या बोला गया भाई, डी ये सब भूल जाओ, इसे काट दो, इसे काट दो, भूल जाओ अपने, ठीक है। हमें इसे क्या याद रहा है भाई, ये है और एक ये है, तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बी ए सी पे काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, तो अगर ये इसके पैरल है तो ट्राइंगल इसमें हम बोल सकते हैं यूजिंग बीपीटी थ्योरम। क्या करेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे बताओ फटाफट से, अगर इस थ्योरम को यहां पर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, हम बोलेंगे बी डी अपॉन डी ए बराबर बी ई अपॉन ई सी। ध्यान सुनो क्या, बी डी अपॉन पे डी ए, बी डी अपॉन पे डी ए बराबर किसके, और बी ई अपॉन पे ई सी क्या आएगा। तो इसको हमने क्या करना, इक्वेशन नंबर वन मान के छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इक्वेशन मान के छोड़ दिया। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट में कहा इसने डी एफ जो है वो ए के बराबर, लिख लो यहां पर डी एफ जो है वो पैरेलल दे रखा है ए के। अब ये सब मिटाओ, डी एफ ए के पैरेलल है, ध्यान सुन, ध्यान सुन, ठीक है। तो अब डी एफ जो है ना वो पैरेलल है ए के, तो इसको काट दो और इसको भी काट दो। क्या इसने बोला भाई, डी एफ जो है वो ए के पैरेलल है, तो ए को पकड़ते हो ट्राइंगल क्या बन रहा है, बी ए बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल बी ए लिखेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल बी AE, वो सिंपल यूजिंग BPT थ्योरम, यूजिंग BPT थ्योरम, इस थ्योरम का हमने यहां पर इस्तेमाल कर, करो कैसे करोगे भाई, ये साइड है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है, तो हम बोलेंगे BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE। ठीक है, चलो अप्लाई करें फटाफट से, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे BD अपॉन पे DA इज इक्वल टू BF अपॉन पे FE। यहां से हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर टू को बना लेना, सिंपल है, कोई कुछ भी गड़बड़ था, कुछ भी मुश्किल था इसमें, बिल्कुल सिंपल है भाई। पैरेलल ढूंढी, ट्रायंगल जुड़ा, बीपीटी लगाया, पैरेलल ढूंढी, ट्रायंगल जुड़ा, बीपीटी लगाया। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट कुछ बराबर है, यस, बी डी अपॉन डी दोनों कॉमन है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या बोले हमने, वी गेट हमें ये मिला, क्या मिला हम लोग को, बोलो बोलो बोलो, हमें मिला भाई अगर ये कॉमन हो गए तो बीई अपॉन पे BE अपॉन पे EC जो है वो बराबर आ गया BF अपॉन पे FE के, और मेरे ख्याल से यही हमें प्रूफ करना था और अपने का हैंस प्रूव हो गया। बोलो बात सुनिए, BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC, यही हमें प्रूफ करना था। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आई होप आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। कैसे करना है, आपने पैरेलल लाइंस को उठाना है, ट्रायंगल बनाना है, बीपीटी लगाना है, पैरेलल लाइन को उठाना है, ट्रायंगल बनाना है, बीपीटी बनाना है, लगाना है, और दोनों में कॉमन कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका थोड़ा सा अगर कुछ मुश्किल बनाएगा ना क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल अगर क्वेश्चन देगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, ये ध्यान सुनना, ये भी आपके एनसीईआरटी का ये बहुत ही बड़े क्वेश्चन। ध्यान सुनिए क्या लिखा है, इन द फिगर 6.18, ठीक है, इन द फिगर 6.18 LM is parallel to CB, भाई LM जो है वो CB के parallel है, तो अभी हम आगे रीड नहीं करेंगे, ध्यान सुनना हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई पहला क्या है, LM जो है वो parallel किसके, CB के parallel दे रखा है। ठीक है, तो ट्राइंगल बताओ, LM और CB, तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है अपने पास, ये आगे A पॉइंट जुड़ रहा है, तो A B C ट्राइंगल लेंगे, तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग बीपीटी थ्योरम, क्या बोलेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करने वाले। ठीक है, लगाओ बीपीटी, क्या लगाओगे, ए पॉइंट पकड़ो, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे, ए एम, ए एम अपॉन पे एम बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए एल अपॉन पे एल सी। तो ये काम पीछे क्या था, सेम काम ने यहाँ पर करा, इसे हम इक्वेशन वन मान के यहाँ पर छोड़ देंगे।
ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा क्या अपने पास, दूसरा क्या है LN, दूसरा LN जो है वो पैरेलल है CD के, तो फिर क्या करेंगे ट्रायंगल ढूंढो। LN अगर CD के पैरेलल, ट्रायंगल क्या है ACD वाला ट्रायंगल है, तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD यूजिंग BPT थ्योरम, क्या बोलेंगे यूजिंग BPT थ्योरम, इस थ्योरम का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले। कैसे लगाएंगे बताओ, A को पकड़ो, AN अपॉन ND, AN अपॉन पे ND देखो आएगा AL अपॉन पे LC, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सिंपल है भाई, यहां से पहला निकली ट्रायंगल उड़ा BPT लगाया, पहला ढूंढी ट्रायंगल उड़ा BPT लगाया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तुमको सर सेम तो है क्वेश्चन, क्या गड़बड़ है, अभी पता चल जाएगा। वी गेट क्या मिला हम लोग को, हम लोग क्या मिला मिला बोलो, हम देखेंगे यहां पर क्या कॉमन है, ये AL अपॉन LC दोनों में साफ साफ आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि AM, ठीक है, AM अपॉन पे MB जो है वो बराबर है AN अपॉन पे ND के, ये इसके बराबर हमें दे रखा है। क्या प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, क्या, अरे रे रे रे, प्रूफ तो हुआ ही नहीं, प्रूफ तो हुआ नहीं भाई। ए एम तो आ रहा है, ए एन भी आ रहा है, पर नीचे वाली लाइन ना मैच नहीं कर रही, नीचे हमें एम बी नहीं चाहिए, नीचे हमें एम बी नहीं चाहिए, पूरा हिस्सा चाहिए ए बी, और नीचे हमें एन डी नहीं चाहिए, हमें पूरा हिस्सा चाहिए ए डी। तो जब भी ऐसा हो जाए, मेरी बात ध्यान सुनना, जब भी ऐसा हो जाए कि अगर मेरे पास एम बी छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है और बड़ा हिस्सा चाहिए, छोटा हिस्सा है और बड़ा पूरा हिस्सा चाहिए, तो प्लस वन करते हैं दोनों तरफ, क्या करते हैं प्लस वन। और अगर कभी ऐसा हो जाए मेरे पास बड़ा हिस्सा आ जाए और छोटा चाहिए, तो माइनस का वन करते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहां पर प्लस वन करना है, कहां माइनस वन करना है, तो सीख लो ध्यान से, अगर छोटा हिस्सा दे रखा बड़ा हिस्सा चाहिए तो प्लस का वन करते हैं, और बड़ा हिस्सा दे रखा छोटा चाहिए तो माइनस का वन करते हैं। समझ में आ गया। अब यहां पर और एक चीज और ध्यान रखना, अब मुझे एम एम सही है, इसको नहीं छेड़ना, नीचे वाले को छेड़ना है, और जिसको छेड़ना है ना वो ऊपर होना चाहिए, जिसको नहीं छेड़ना जो एडिटिव रहेगा वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मुझे AM को नहीं छेड़ना, AN को नहीं छेड़ना, तो ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो उसको पलट देंगे। पलटना बताया था मैंने पीछे भी कि हम X से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो हम पलट देंगे इसको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि MB अपॉन पे AM, ठीक है, और प्लस में 1 इक्वल टू आएगा ND अपॉन पे AN और प्लस में 1, तो दोनों जगह प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। कितना आएगा हमारे पास, AB प्लस में AM अपॉन पे AM, ठीक है, और इक्वल टू आएगा ND और प्लस में AN अपॉन पे AN निकल के आएगा, ठीक है। ऐड करो MB में AN, ऐड AM, ऐड करो, अब MB में AM ऐड करो तो क्या बन गया, AB बन गया, तो आएगा AB अपॉन पे AM निकल के आएगा, और बराबर में MD में AN, क्या है हमने ND, ND में AN, तो AD बन गया, तो AD अपॉन पे AN निकल के आ गया। और अभी क्या हुआ, अब इसको एक बार पलटना, हमने पलटा था ना इसे, तो फिर पलटना पड़ेगा, एक बार और रेसिप्रोकल करोगे तो आएगा AM अपॉन पे AB इज इक्वल टू आएगा AN अपॉन पे AD, और लो भाई अपना बड़ा आराम से ये जो है वो हैंस प्रूव्ड हो गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बड़ा सिंपल तरीका था हैंस प्रूव करने का, बहुत कंफ्यूजन होती कहां प्लस वन करना है, और एक क्वेश्चन मुश्किल मान सर हमें समझ नहीं आता, पर आज कल कभी ये नहीं बोलोगे समझ नहीं आता, क्योंकि तुमने यहां से सीख लिया है कि कहां प्लस वन करना है और कहां पर माइनस वन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो क्या बीपीटी के ऊपर है, सिंपल क्या आपने पैरेलल लाइन दे रखा है, ट्रायंगल जोड़ा, बीपीटी लगाया। एक होता कन्वर्स ऑफ बीपीटी में पूछता क्वेश्चन, वो कैसे, सेम ऐसे ही आपने आओ ऐसा क्वेश्चन आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का हमें इस्तेमाल यहां पर करना पड़ता है, लास्ट में स्टार्टिंग सेम वैसे ही रहने वाले, ठीक है। हमें बोला गया कि इन द फिगर 6.20 डी जो है, डी पैरेलल है OQ के, कहां है बोलो DE, ये DE जो है वो पैरेलल किसके, OQ के, ये इसके पैरेलल दे रखा है, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल ढूंढना है और क्या करना है, बीपीटी लगाना है, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, सॉरी हमें क्या लिखा है, DE जो है वो पैरेलल दे रखा है OQ के, ध्यान सुनना, DE OQ पैरेलल, ट्रायंगल क्या बनेगा, इसको क्लोज करो, बनेगा POQ बनेगा, ट्रायंगल POQ, तो इन ट्रायंगल POQ यूजिंग बीपीटी थ्योरम, क्या करेंगे यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का हम लोग उसमें इस्तेमाल करने वाले, ठीक है, ध्यान सुनना, करो कैसे करो बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल, हम बोलेंगे मतलब क्या, पी पॉइंट पर वर्टेक्स पकड़ो, पीडी अपॉन DO, ठीक है, पीडी अपॉन पे DO इक्वल टू आएगा कितना, पीई अपॉन EQ, पीई अपॉन पे EQ, बस इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर, सिंपल है। दूसरा क्या दे रखा अपने को, अपने को बोला गया DF जो है वो पैरेलल है OR के, DF पैरेलल OR के, ये जो DF है वो OR के पैरेलल है,
तो ओ आर को लेकर ट्राइंगल बनाओ, तो पी ओ आर ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, पी ओ आर, तो बोलेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर, क्या लगाएंगे बोलो, यूजिंग बीपीटी थ्योरम, यूजिंग बीपीटी थ्योरम इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। करो बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करोगे भाई, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन पे एफ आर, सिंपल सिंपल सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, कुछ मैं अलग नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे पी डी अपॉन पे डी ओ आएगा निकल के पी एफ अपॉन पे एफ आर के, अब ये हो गए क्वेश्चन नंबर क्या टू निकल के आ जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला हम लोग को, बोलो बोलो बोलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हमें क्या मिला, देखो ये सेम सेम आ गया, हम बोलेंगे पीई अपॉन पे ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अपॉन पे एफ आर, तो ये काम हम लोगों ने कर लिया, ये सेम सिमिलर काम है, अभी तो तीनों क्वेश्चन में सेम काम करा हुआ है, इससे फायदा क्या, अरे हमें तो प्रूफ करना था, प्रूफ करो ये सब मिटाते, ठीक है ये सब मिटाओ, हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था भाई ई एफ जो है ना वो क्यू आर के पैरेलल है, अच्छा ये हमें प्रूफ करना था क्या, ई एफ क्यू आर के पैरेलल है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसे भूल जाओ ठीक है, ये नहीं देखना, ठीक है इसे भूल जाओ और इसे भी भूल जाओ, ठीक है हटाओ इसे भी, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ध्यान सुनने का प्रयास करना, इसे हटाओ, ठीक है हटा दे मैंने। अब मुझे बताओ कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर कोई सेम रेशियो डिवाइड करता है, कोई लाइन ईएफ है, अगर वो पीई अपॉन ईक्यू पीएफ अपॉन एफआर, पीई अपॉन ईक्यू पीएफ अपॉन एफआर सेम रेशियो डिवाइड करता है, देन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं ईएफ जो है वो क्यूआर के पैरेलल है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर लिखेंगे, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल, देन इन ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर, अगर सेम रेशियो डिवाइड किया है तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है हम बोल सकते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, और इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझ चलो। अभी तो तीनों क्वेश्चन मैंने क्या करा, सेम चीज अप्लाई करिए कि पैरेलल ढूंढा, ट्रायंगल ढूंढा, बीपीटी लगाया, सेम चीज मैंने यहाँ पर करा, ये क्वेश्चन क्या प्लस वाला था, आपको समझे कहाँ ऐड करना है, और इस क्वेश्चन में कन्वर्स और बीपीटी लगाना था, एंड में बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है एग्जैक्टली सेम था, तो ये होता है आपका यहाँ पर टाइप टू खत्म, ठीक है समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पर नेक्स्ट टाइप, टाइप थ्री की तरफ, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, अब टाइप थ्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप थ्री में आ जाता है ट्रेपिज्म, अक्सर आपने ट्रेपिज्म वाले क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखे होंगे, है ना, इस तरह ट्रेपिज्म है तो ये प्रूफ करो, ये ट्रेपिज्म है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये ट्रेपिज्म दे रखा है इस तरीके का तो इसको प्रूफ करके बताओ, अक्सर आपने ट्रेपिज्म में क्वेश्चन देखे होंगे, तो आइए टाइप थ्री के अंदर ट्रेपिज्म वाले क्वेश्चन को समझते हैं, किस प्रकार से इसको अच्छे से करना होता है, बहुत ही आसान होता है ट्रेपिज्म वाले क्वेश्चन, आइए मैं आपको समझाता हूं। इसने क्या बोला टाइप थ्री में कि ए बी सी डी इज आर ट्रेपिज्म, जहां पर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो पहले तो आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आइए पहले बनाते हैं, ये इस तरीके से मैंने एक ट्रेपिज्म को बनाया, इस तरह के सकल वाला जो है ट्रेपिज्म होता है, ठीक है ये, तो इसे अगर कैटेगरी बना लोगे ना बहुत आसान हो जाता, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है तो क्या बोला गया, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, कह रहा है अगर डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, अगर डायगनल जो है इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ पर डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें जो है ये प्रूफ करना ए ओ अपॉन बी ओ, अब करना कैसे उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर आपको प्रूफ करनी है, अब यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल हम करना शुरू कर देंगे, कोई भी चीज अगर आपको प्रूफ करनी होती है तो आपको ट्रायंगल ढूंढना पड़ता है, ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर बोला ए ओ, तो ए ओ क्या है, ये वाला है, ये ए ओ है, ठीक है फिर क्या है, ए ओ के साथ क्या आया, बी ओ निकल के आया, तो ए ओ है और फिर क्या बी ओ है, फिर सी ओ डी ओ और सी ओ डी ओ, मतलब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात चल रही है, इन दो ट्रायंगल की बात चल रही है, अगर मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो सकता है, तो ट्रायंगल कौन सा लूंगा मैं, पहले लूंगा इन ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ध्यान सुनना ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दो ट्रायंगल पे काम करेंगे, ठीक है भाई, दो ट्रायंगल का सेम रेशियो होता है बाद में कब, जो सिमिलर होते हैं, तो पहला काम क्या है, सिमिलर प्रूफ करना है, तो मुझे बताओ सिंपल सी बात है, पहला काम तो क्या है, जब भी ना ये इसके पैरेलल होता है तो Z बन रहा होता है, तो ये जो एंगल ना ए वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहां पर बोल सकते हैं एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, क्या बोलेंगे इसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो बताने,
फिर क्या आप बोल सकते हो एंगल बी जो है वो जेड बन रहा है इस तरीके से, है ना। तो एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल ए ओ बी जो है वो इसके बराबर से होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हालांकि दो ही एंगल बोलना पड़ता है, तो हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा सी ओ डी। तो दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो क्या बोलेंगे हम, हम बोलेंगे ए ओ, यहाँ पर क्या आएगा नीचे आएगा सी ओ, फिर हम लिखेंगे बी ओ, यहाँ पर क्या आएगा डी ओ निकल के आएगा इस तरीके से। तो अपने पास हो गया क्या, अभी नहीं हुआ, अभी क्रॉस करो, आएगा ए ओ मल्टीप्लाई बाय डी ओ इक्वल टू बी ओ मल्टीप्लाई बाय सी ओ। हमें ए ओ के नीचे कैसे बी ओ चाहिए, तो बी ओ इसके नीचे आ जाएगा। तो हम बोलेंगे ए ओ अपॉन पे बी ओ बराबर में क्या आएगा सी ओ अपॉन पे डी ओ। तो ये हम लोग रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं। क्या बोला हमने यहाँ पर, ध्यान सुनना, ए ओ, ए ओ अपॉन पे बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ जो है इसके बराबर निकल के आता है। ऐसे याद रख लो, चाहे ऐसे याद रख लो, बात एक ही है। देखो ऐसे याद रखो, ज्यादा आसान रहेगा, ए ओ इसके इसके नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये आएगा, ऐसे याद रखना है, इसके नीचे ये आएगा रिमेनिंग साइड, इसके नीचे ये आएगा। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कैसे करना होता है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस दो एंगल उठाने हैं, बस ये आपको सोच समझ के लिखने होते हैं, बाकी सारा काम आसान होता है। अभी हम बहुत सारे टाइप्स करेंगे, है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, आप टेंशन मतलब सारे प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, बस आपको सारे टाइप्स को ध्यान से समझना है और बारी के जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए सारे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नाउ चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन ना, यही क्वेश्चन आपका ना कन्वर्ट करता है इस तरीके से और कहता है वैल्यू को निकालो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपने करना क्या, पहला स्टेप तो सेम ऐसे ही होगा, आपने यहां तक सेम प्रूफ करना है, ये जो चीज ना आपने इस तरह सेम प्रूफ करना है। तो ये काम आपको मैं देता हूं, उसके बाद हम सीधे यहां पर रिजल्ट यूज करते हैं। हमें पता है, हमें पता है क्या पता है, मैंने बोला ये साइड डी ओ के नीचे बी ओ आएगा और सी ओ के नीचे ए ओ आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे डी ओ, है ना, हम लिखेंगे एज वी नो दैट, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है पीछे से क्या पता हम लोग को कि डी ओ अपॉन पे क्या बी ओ, ठीक है, इक्वल बराबर किसके आएगा सी ओ अपॉन पे ए ओ, ये बराबर होता है ना। अब इसी का डी ओ कितना अपने पास 6x माइनस में 5 और बी ओ कितना अपने पास बोलो 2x प्लस में 1 और बराबर में सी ओ कितना है सी ओ 5x माइनस में 3 और बी ओ ए ओ कितना है 3x माइनस में 1, ये लिख दिया सब कुछ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखो 6x माइनस में 5 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस में 1 और इक्वल टू आएगा अपने पास 5x माइनस में 3 और मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस में 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो पहले 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 से, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 से और बराबर में आएगा 5x लिखेंगे और आएगा 2x प्लस में 1 और फिर आएगा माइनस में 3 और आएगा 2x प्लस में 1। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई ओपन करते हैं कितना आएगा, तो अच्छा 18 18x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 15x, ठीक है, प्लस में 5 इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6x माइनस में 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कन्वर्ट करना है, सबको एक तरफ करेंगे। तो ध्यान सुनना, ये आएगा 18x स्क्वायर माइनस में 21x 21x प्लस में 5 इज इक्वल टू आ गया 10x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 3 निकल के आ गया, ठीक है, x वाले एक तरफ। तो 18x का स्क्वायर माइनस में 10x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 21x और प्लस में x प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस में 3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, जो कि बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस में 20x और प्लस में 8 इक्वल टू 0। हम यहां पर 4 कॉमन करेंगे तो आएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 4 5 20 और प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहां पर हमें x की वैल्यू उसको फटाफट से फाइंड आउट कर लेना है। देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है चीज वो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से बोला क्वेश्चन 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आराम से। तो हम लिखेंगे इसे यहां करो, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में x प्लस में 2 इक्वल टू, ब्रेक कर रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, ठीक है। तो 2x कॉमन कर लो आएगा x माइनस में 2 माइनस का 1 कॉमन कर लो x माइनस 2 निकल के आ गया इक्वल टू 0। अब यहां पर आ गया x माइनस 2 और यहां पर आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से x आ गया आपका 2 आ जाएगा और यहां से x आ गया 1 अपॉन पे 2। ये दो x की वैल्यूज आ गई हैं। अब ये दोनों मत लिख देना, चेक करना पहले क्या दोनों एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या दोनों वैल्यूज एप्लीकेबल है
या नहीं है चेक करना पड़ेगा कि कहीं जीरो तो नहीं हो रहा, तो चेक करो कहीं जीरो तो नहीं हो रहा, एक्स के लिए पुट बिल्कुल कर सकते हैं, कोई वैल्यू में दिक्कत नहीं। तो 2 और 1/2 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। सही है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे आप रिजल्ट को भी याद रख सकते हो, वरना प्रूफ करना पड़ जाए तो कर सकते हो। क्या रखना है, डी ओ के नीचे बी ओ, सी ओ के नीचे ए ओ रख के आपने बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेना है। तो आइए ट्रेपेजियम का एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ट्रेपेजियम का, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। हालांकि कितना दिखने में मुश्किल लग रहा है भाई, ट्रेपेजियम है फिर बीच में दो लाइन, वहां तो क्या था डायगनल था, यहाँ पर दो लाइन और कट कर दी गई है, और इतना डेंजर क्वेश्चन पूछ ले, अरे बहुत ही नकली क्वेश्चन है यार, बकवास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, सिर्फ दिखने में हुआ है ट्राइंगल, दिखने में बस हुआ है, करने में कोई दिक्कत नहीं ट्राइंगल। ध्यान सुनना, पहले का काम क्या है, जो भी हमें प्रूफ करना है पहले ट्राइंगल ढूंढो यार, सबसे पहले OA और CQ, OA ये रहा, CQ ये रहा, ध्यान सुनना, OA ये रहा, लाइन दिख रही है वाली, ठीक है, और CQ ये रहा, ठीक है, OC ये रहा और AP ये रहा, मतलब ये वाला ट्राइंगल और इस वाला ट्राइंगल, ये जो दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल को हमने पहले सिमिलर प्रूफ करना है। पहला काम तो यही है, बेसिक काम। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा, ए ओ पी एंड ठीक है सी ओ क्यू, ट्राइंगल सी ओ क्यू, ये हमें ट्राइंगल दोनों लेने हैं। अब इन दो ट्राइंगल बताओ मुझे क्या क्या बात बराबर, फटाफट से इन दो ट्राइंगल पे क्या क्या बात बराबर है। सबसे पहले देखो, सबसे देखो, हमें पता है भाई ए बी ये ट्रेपेजियम है अगर, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है भाई, दो लाइन पैरेलल है, और इनके टुकड़े भी तो पैरेलल होंगे भाई, ए पी भी तो सी क्यू के पैरेलल होगा ना, तो पैरेलल दे रखा है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि ये जेड बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर, क्या बोलते थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते, क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे कि एंगल ए जो है वो एंगल किसके सी के बराबर है, क्या बोलोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और सेम ऐसे हम बोलेंगे एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों हमारे पास बराबर निकल के आ गए। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, बताओ क्या यूज किया हमने, बाय यूजिंग एंगल एंगल, बाय यूजिंग एंगल एंगल हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ क्यू के, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है, तो लिखेंगे ए ओ अपॉन पे ए ओ अपॉन पे सी ओ इक्वल टू ओ पी अपॉन पे ओ क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या, ए पी अपॉन पे सी क्यू, ये तीनों साइड का रेशियो सेम। अब हमें चेक करना क्या क्या चाहिए, हमें ए ओ ए सी क्यू चाहिए, ओ ए ये तो चाहिए ठीक है, और सी क्यू ओ पी नीचे देते हैं, ये तो चाहिए हमें, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। तो आओ उनका टुकड़ा ले लेते हैं फटाफट से ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ए ओ अपॉन पे सी ओ इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पे सी क्यू हो जाएगा। अब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, ए ओ ठीक है इन टू पर सी क्यू इज इक्वल टू ए पी मल्टीप्लाई बाय सी ओ, बोलो या ओ सी बोलो, बात देखिए आप चेक करो हमारा प्रूफ हो चुका है, आप चेक करो हमारा प्रूफ हो चुका है, ओ ए ओ ए सी क्यू सी क्यू ए पी ए पी ओ सी ओ सी निकल के आ गया। तो देखो दिखने में कितना मुश्किल था ये क्वेश्चन, लेकिन कितना ज्यादा आसान होता है। तो ट्राइंगल पहले तो डरना नहीं है, बहुत चीजें आसान होती है, दो एंगल ये ना रामबाण है, एंगल एंगल बस, दो जो भी प्रूफ करना है उससे रिलेटेड ट्राइंगल ढूंढना है, उसके बाद एंगल एंगल को हमें लेके चलना है, बहुत ही ज्यादा ये आसान हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप वन हो गया, टाइप एक रिवाइज कराता हूं ठीक है। टाइप वन में क्या हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सीखे इस तरह के ठीक है, जहां पर केवल डायरेक्ट दो में बीपीटी लग रहे थे और दो बाकी दो में लग रहा बीपीटी लगेगा, पर वहां बीपीटी नहीं था, सिमिलेटिव ट्राइंगल था, तो वो हमने सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, इस तरह क्वेश्चन जहां पर प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो सीखे, बीपीटी वाले कन्वर्स ऑफ बीपीटी, फिर हमने ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन सीखा। अब वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहिए, अभी टाइप फोर करना हम लोग को ठीक है। टाइप फोर में इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर दो ट्राइंगल दे रखे सिमिलर होते हैं उनके बाकी चीज निकलवाता है, उसके पैरामीटर निकलवा लेता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास जो तीन तीन मार्क्स से बनते हैं, ये टाइप फोर में। नेक्स्ट अपने टाइप फाइव में होने वाला है बहुत भयंकर क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन, जो कि एग्जैक्ट आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन हो गए, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में करने वाले हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमेंट करो, जैसे 10,000 व्यूज होते हैं और 300 कमेंट होते हैं आपकी नेक्स्ट जो वीडियो है पार्ट नंबर टू आ जाएगी, और पार्ट टू में आपका ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, और पार्ट टू में बहुत सारे क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट वन आपने आई होप अच्छे से देख लिया होगा, अच्छे से समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये सारे वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं,
आते गए हैं और आ सकते हैं, कुछ फालतू क्वेश्चन नहीं कराए गए। अब नेक्स्ट पार्ट जितनी उतनी जल्दी आएगा, जितनी जल्दी आप 10,000 व्यूज और 300 कमेंट का टारगेट पूरा करते हो। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।